हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और भाई मैं हूं प्रणव सिंगल। तो भाई आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं इस मिनी इनोवा के बारे में। तो भाई देखना, ये बिल्कुल इनोवा जैसी लगती है। अगर मैं पास से दिखाऊं तो ना भाई, बस एक यहां पे सुजुकी के लोगों की जगह टोयोटा का होता ना, जो कि भाई अब बहुत जल्दी आप मार्केट में देखने वाले हो। मतलब भाई टोयोटा ने ना अर्टिगा को भी ले लिया है, रूमियोन के नाम से भी कही है अर्टिगा। तो ना भाई ये गाड़ी भी एक मतलब बहुत ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी मॉडल है, अगर आप मतलब ये वाला पार्टिकुलर वेरिएंट देख रहे हो सीएनजी के लिए। क्योंकि ना भाई इसमें आपको सारे फीचर मिल जाते हैं। और अगर मैं इसकी प्राइसिंग की बात करूँ तो भाई ये 11,13,000 के आसपास आपको ऑन रोड नोएडा में मिल जाती है, जो कि भाई मतलब सही है। आपको एक 7 सीटर MUV मिल रही है भाई, वो भी CNG फिटेड, जिसका माइलेज भाई बहुत ज़्यादा मस्त रखा है कंपनी वालों ने। इस वीडियो में मैं आपको एक इसका रिव्यू देने वाला हूँ कि भाई कैसे है ये गाड़ी वैल्यू फॉर मनी, और बाकी आपको इस मॉडल में क्या क्या चीज़ मिल जाती है। इसमें भाई आपको कंपनी फिटेड CNG मिल जाती है। तो यहाँ पे आपको CNG के ऐसे कुछ यहाँ पे स्टिकर भी मिल जाते हैं लगे हुए, जो कि केवल कंपनी वाले देते हैं ऐसा वाला स्टिकर लगा के। और भाई इसमें आपको ना मतलब जो जो चीज़ चाहिए सारी चीज़ कंपनी आपको लगा के देती है। मतलब टच स्क्रीन स्टीरियो तो नहीं आता पर, लेकिन हाँ भाई इसमें आपको बटन वाला मिल जाता है, ब्लूटूथ वाला। और भाई इसमें आपको सीट्स फैब्रिक की मिलती हैं, ये तो भाई आफ्टर मार्केट लगी हुई है सीट ये वाली, पर इसमें भाई आपको सारी चीज़ मिल जाती है। बाकी आपको यहाँ पे ORVM भी मिलते हैं। अब ये फोल्डेबल ऑटोमेटिक है या नहीं है वो मैं आपको इस वीडियो में आगे बताऊँगा। बाकी भाई इस गाड़ी के भी फ्रंट लुक से बात करते हैं कि आपको इसमें फ्रंट में क्या क्या चीज़ मिल जाती है। तो भाई इस गाड़ी में आपको फ्रंट में सबसे ऊपर यहाँ पे आपको सिंपल अपना एंटीना देखने के लिए मिलेगा। फिर बाकी यहाँ पे अगर मैं फ्रंट में बात करूँ ग्रिल की, ऐसी कुछ यहाँ पे आपको क्रोम की ग्रिल मिल जाती है देखने के लिए, जो कि भाई बहुत ज़्यादा चमकती है भाई देखने में और बढ़िया भी लग रही है देखने में, ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं है। बाकी भाई इसकी अगर हेडलाइट की बात करूँ मैं तो ये भाई मॉडिफाई करवा रखी है, मतलब मॉडिफाई नहीं है, टॉप मॉडल वाली लगवा रखी है। मतलब आपको ना इसमें सिंपल हेलोजन बल्ब मिलते हैं। तो ना भाई यहाँ पे आपको इंडिकेटर मिल जाते हैं, पार्किंग इंडिकेटर्स, बाकी आपको यहाँ पे हाई बीम के लिए मॉडिफाई करवा के व्हाइट लाइट लगवा रखी है, जिनका थ्रो काफ़ी ज़्यादा मस्त है। और साथ में लो बीम के लिए आपको यहाँ पे प्रोजेक्टर लो बीम मिल जाती है व्हाइट में, जो कि काफ़ी मस्त थ्रो फेंकती है अपने रोड पर। और बाकी इसमें भाई आपको फॉग लैम्प भी मिलते नहीं है, पर लेकिन उन्होंने लगवा रखे हैं, जो कि भाई क्या मतलब भाई इसमें ना पूरी वाइट कलर की आपका सेटअप तैयार है इस गाड़ी में, जो उन्होंने लगवाया है। इसकी कॉस्टिंग वगैरह अगर मेरे को पता होगी तो मैं आपको बता दूंगा, नहीं तो भाई ज़्यादा महंगा नहीं पड़ता अपने भाई, 20-25 हज़ार रुपये में आपकी लग जाती हैं ये। और भाई सेम आपको यहाँ पे भी मिल जाती है फिनिशर, यहाँ पे आपको एक क्रोम की लाइनिंग देखने के लिए मिलती है, जो कि अपने बलेनो वगैरह में हर गाड़ी में इनकी कंटिन्यू रहती है वाली चीज़। और यहाँ पे आपको मैट ब्लैक फिनिश में ऐसे कुछ फॉग लैम्प के साइड में ये डिज़ाइन मिल जाता है देखने के लिए, ग्रिल के साथ जो अटैच हो रहा है यहाँ तक। और नीचे आपको रेडिएटर ग्रिल मिलती है, और यहाँ पर आपको लाइसेंस प्लेट के लिए जगह दे रखी है, आप यहाँ पर बम्पर पे लगा सकते हो। बाकी भाई अगर इसकी ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो इसमें आपको 185 mm की ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाती है, जो कि भाई सही है, अपने कहीं गाड़ी टच तो होती नहीं है, आप चाहे कहीं घुसा लो गाड़ी को। तो ये सारी चीज़ होगी भाई फ्रंट से। बाकी इंजन वगैरह के बारे में आपको आगे बताऊंगा वीडियो में लास्ट में कि भाई कितने सीसी का इंजन मिलता है, बाकी कैसे इंसुलेशन वगैरह है प्रॉपर या बस केवल ऐसे ही है। वैसे तो भाई पेट्रोल इंजन है तो बहुत ज़्यादा रिफाइनमेंट है इंजन में, और कोई ऐसी खास दिक्कत भी नहीं है कि भाई अपने भागने वगैरह में कोई मतलब कोई ड्रॉप वगैरह है इंजन पावर में, ऐसी भाई कोई शिकायत नहीं है। तो भाई देखो ये है इसकी साइड लुक। तो भाई साइड में अगर मैं आपको यहाँ पे सबसे पहले छत दिखाऊँ ना, तो भाई यहाँ पे आपको छत पे कोई भी रूफ रेल नहीं मिलती है। हालांकि भाई ये टैक्सी में चलती है गाड़ी वैसे तो, पर भाई कंपनी वाले फिर भी नहीं देते आपको यहाँ पे कोई रूफ रेल वगैरह लगा के। तो ये चीज़ भाई कंपनी वालों को देखनी चाहिए, मतलब भाई जब उन्हें पता है कि उनका CNG वाला मॉडल जो है ये केवल टैक्सी में चलता, तो भाई उनको देनी चाहिए चीज़ लगा के। इसमें आपको 3 रो मिलती है ना बैठने के लिए, तो आपको इसमें ABC 3 आपको इसमें ग्लास भी मिल जाते हैं देखने के लिए 3 पिलर पे, जो कि अपने भाई सही है, सफोकेशन नहीं होने देते जो पीछे बैठे उनके लिए। बाकी आपको यहाँ पे कोई भी डोर वाइजर पहले से नहीं मिलते हैं लगे हुए, ये एक्सेसरी है ये। और बाकी आपको यहाँ पे कोई क्रोम भी नहीं मिलती है देखने के लिए। भाई सारी जो आप क्रोम देख रहे हो ना, यहाँ पे साइड बीडिंग हो गई, बाकी आपको यहाँ पे डोर हैंडल हो गया, ये अपने आफ्टर मार्केट है, ये कंपनी नहीं देती है लगा के। और पीछे से भी अगर मैं दिखाऊँ तो भाई पीछे आपको कहीं भी क्रोम देखने के लिए नहीं मिलती है, पीछे भाई कुछ आफ्टर मार्केट नहीं है, ये एकदम वही सेम लुक है जो आपको कंपनी से प्रोवाइड होती है। तो भाई अभी पहले बात कर लेते हैं इसकी साइड लुक से। तो भाई साइड में आपको गाड़ी कैसे मिलती है देखने के लिए, तो भाई आपको यहाँ पे कुछ इसके ORVM मिल जाते हैं, जो कि भाई इस टाइम आप एकदम रियल साइज़ देख रहे हो, मतलब सही है, ज़्यादा ना बड़े हैं ना ज़्यादा छोटे हैं, पर भाई थोड़े बड़े हो सकते थे गाड़ी के साइज़ के हिसाब से। तो भाई इसमें आपको टायर जो मिलते हैं वो मिलते हैं आपको 185/65R 15 इंच के, तो भाई मतलब सही है टायर का साइज़। तो ये अर्टिगा में हमेशा से 15 इंच ही देते हैं, चाहे आप टॉप लो चाहे बेस लो। बाकी आपको इसमें 185 mm की ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाती है, जो कि भाई बहुत ज़्यादा मदद करती है गाड़ी को कि गाड़ी कहीं टच ना हो।
बाकी भाई आपको इसमें कोई भी रिक्वेस्ट आंसर मिलता नहीं है। अगर मैं आपको की बताऊं भाई की कैसी दे रखी है कंपनी वालों ने, तो भाई की कुछ ऐसी मिल जाती है आपको, ऐसी की मिल जाती है आपको इसमें, जैसा कि टिपिकल मारुति देती है अपने हर गाड़ी के बेस मॉडल में, सीएनजी वाले मॉडल्स में खासकर। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा पार्शियलिटी है भाई इस चीज़ में। पर भाई नहीं पता इनकी मोनोपोली है कोई भी, सीएनजी में इतनी सस्ती रेंज में 7 सीटर गाड़ी कोई निकाल ही नहीं पाई भाई। किया कारण इसको कह रहे थे पहले सस्ती आएगी सीएनजी में भी निकालेंगे, पर भाई वही है उसके भी दाम वही 20 लाख जा रहे हैं, तो कौन ही ले रहा भाई उसमें। फिर 20 लाख में तो एक्सयूवी 700 या इनोवा भाई बहुत तगड़े तगड़े ऑप्शन हैं इस प्राइस पॉइंट पे। तो भाई ये सारी बात होगी इसकी साइड लुक की। अब बात कर लेते हैं भाई कि इसकी जो रेयर लुक है वो कैसे मिल जाती है। तो भाई देखो रेयर लुक कुछ ऐसी है जो कि सेम मैंने आपको पहले भी बताया था XL6 वाली मिलती है, ऐसी आपको यहाँ पे लाइट कंटिन्यू हो रही है, ऐसे लाइट कंटिन्यू होकर आपको यहाँ तक मिल जाती है। बाकी आपको यहाँ पर आगे ब्रांडिंग मिल जाती है और यहाँ पे सुजुकी का लोगो है, इस साइड आपको VX है की कोई भी बैजिंग ब्रांडिंग कुछ नहीं देखने को मिलती। बाकी लाइट वगैरह ऐसी हैं इसमें, कोई भी ना वाइपर ना कोई डिफॉगर कुछ नहीं मिलता देखने के लिए, ना आपको इसमें कोई भी शार्क फिन एंटीना मिलता है, आपको इसमें सिंपल ऐसा एंटीना मिल जाता है जो कि भाई बहुत बुरा लगता है आजकल के टाइम के हिसाब से। बाकी भाई इसमें आपको पार्किंग सेंसर मिल जाते हैं पर लेकिन कैमरा नहीं मिलता। तो भाई ये कैमरा वगैरह जो है ना ये आगे इन्होंने आफ्टर मार्केट स्टीरियो के साथ लगवाया है, तो इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा भाई कैसी क्वालिटी है कैसी नहीं है। बाकी आपको इसमें रिफ्लेक्टर भी सिंपल वाले मिलते हैं। तो भाई देखो ये जो बम्पर पिचका हुआ है ना इसके बारे में मैं बताता हूँ भाई, यहाँ पे ना आप जो देख रहे हो ये एक हुक सा निकला हुआ है, ये भाई बम्पर गार्ड था मतलब पीछे का, जैसा मैंने भाई क्रेटा में लगवा रखा ना इन्होंने भी वैसा लगवा रखा था। तो एक पता नहीं कोई स्विफ्ट थी या कोई एडी गाई थी उसने भाई दे के मार दी इनकी गाड़ी में चलते चलते ही पीछे से, तो भाई वो जो बम्पर गार्ड था ना वो पूरा निकल गया। तो आप ये सोच लो भाई वो इस लोहे की पट्टी पे अटका हुआ था, मतलब आप देख लो भाई, और जब भी निकल के मतलब निकल गया भाई तो आप ये सोच लो कितना तगड़ा एक्सीडेंट हुआ होगा। फिर भी भाई गाड़ी में कोई भी नुकसान नहीं हुआ, कोई ऐसा खास पिचक गया भाई यहाँ से बस, बाकी कोई ऐसा खास नुकसान नहीं हुआ है गाड़ी में। तो भाई देख लो मतलब कितना ज़्यादा ज़रूरी है ये पीछे वाला बम्पर गार्ड जो होता है। तो भाई ये तो मैं रिकमेंड करता हूँ जैसे आप कहीं दिल्ली NCR वाले एरिया में रह रहे हो तो आप लगवा लो भाई, बहुत ज़्यादा हेल्प करती है वो चीज़। तो भाई इसमें अगर मैं बूट स्पेस दिखाऊँ आपको, तो भाई आपको इसमें बूट एक्सेस करनी है ना तो आपको यहाँ पर एक बटन दे रखा है ऐसे, तो आप जब उसको ऐसे अंदर को प्रेस करोगे तो उसके बाद जाके खुलती है। और भाई बूट मतलब देख लो ये आपको यहाँ पे ऐसे CNG मिल जाती है इसके अंदर लगी हुई, जो कि आप ऐसे उठा के देख सकते हो। तो यहाँ पे ये आपको CNG का सिलेंडर मिल जाता है देखने के लिए, जो कि कंपनी करके देती है भाई ये चीज़। और यहाँ पे आपको ऐसी थर्ड रो मिल जाती है इसकी, जो कि भाई लोग ज़्यादातर फोल्ड करके रखते हैं, क्योंकि भाई आप खुद बताओ प्रैक्टिकल नहीं है ये जो थर्ड रो है ना, इसकी बच्चों के लिए ही है, वैसे कोई खास इतनी प्रैक्टिकल है नहीं मेरे ख्याल से तो। और भाई बूट की स्पेस अगर मैं बताऊं तो आपको इसमें थर्ड रो फोल्ड करने के बाद 209 लीटर की बूट की स्पेस मिलती है आपको इसमें, जो कि भाई सही है अपने क्रेटा में तो वैसे 450 लीटर 425 लीटर के आसपास है, पर भाई कोई नहीं सही है मतलब। और बिल्ड क्वालिटी तो नहीं है भाई, बिल्ड क्वालिटी नहीं है आपकी। और बाकी आपको यहाँ पे हेलोजन बल्ब मिल जाते हैं नंबर प्लेट फ्रेम के लिए। तो भाई अगर मैं बिल्ड क्वालिटी की बताऊँ तो आवाज़ सुनना आप जब मैं बंद करूँगा इसे, आवाज़ भाई नहीं है वो हार्ड फीलिंग नहीं है जो कि एक रहनी चाहिए भाई क्रेटा सेल्टोस। चलो वो तो छोड़ो, वो तो अलग सेगमेंट में आ गई, पर भाई सोनेट और वेन्यू इन गाड़ियों में भाई बढ़िया लगती है कि हाँ भाई बढ़िया है इनकी बिल्ड क्वालिटी। तो भाई देखो अब मैं इसका डोर खोलता हूँ, तो डोर भाई डोर हैवी है, डोर में कोई शक नहीं है डोर हैवी है इसका फ्रंट केवल, पर भाई यही है जैसे मैंने आपको बलेनो में बताया था कि फ्रंट इसका हैवी होता है। हाँ भाई देखो फ्रंट हैवी है, रेयर वाले डोर्स हल्के हैं। तो भाई रेयर में बाद में आऊँगा, पहले आपको फ्रंट से बताता हूँ। तो देखो भाई फ्रंट में सबसे पहले जब आप गाड़ी में अंदर बैठते हो ना तो भाई सबसे पहले आपकी नज़र जाती है इस पर वुडन फिनिश पे। तो ये वुडन फिनिश भाई आपको इसके सारे मॉडल्स में मिलती है, ये आपके मतलब सारे डोर्स पे और आगे डैशबोर्ड पे कंटिन्यू होती है, जो कि भाई इनोवा वाली है मतलब इनोवा ही है भाई ये तो। चलो कोई नहीं, बाकी सीट वगैरह आपको इसमें हाइट एडजस्टेबल नहीं मिलती है, आपको केवल ये आगे पीछे ऐसे करने के लिए मिलती है, और या फिर आप सीट को ऐसे स्लाइड कर सकते हो, इसमें आप कोई भी हाइट वगैरह नहीं कर सकते ऊपर नीचे सीट को। तो वो चीज़ एक बुरी है क्योंकि भाई हर तरीके का आदमी चलाता है गाड़ी को, जिसकी हाइट कम होती है ज़्यादा होती है, तो वो चीज़ नहीं देनी चाहिए थी। बाकी आपको यहाँ डोर्स पे यहाँ सिल्वर फिनिश दे रखे हैं मतलब क्रोम में दे रखे हैं हैंडल्स, बाकी लॉक अनलॉक के लिए। और भाई देखो जैसा मैं आपको कह रहा था ना कि ये फोल्डेबल हैं या नहीं है ORVM, तो भाई ये फोल्डेबल हैं ये, लेकिन आपके जब ही काम करेंगे जब आपकी की गाड़ी में लगी हुई होगी। तो देखो भाई इसकी की जब मैं गाड़ी में लगाता हूँ, हाँ भाई पहले मैं आपको इसकी की दिखा देता हूँ एक बार अच्छे से। तो देखो भाई इसकी की जो है ना कुछ ऐसी आती है, दो की मिलती हैं आपको ऐसी सिंपल, तो इसमें आपको पीछे सुजुकी का लोगो मिल जाता है, बाकी यहाँ पे ऐसी कुछ की मिलती है जो कि कॉपी नहीं हो पाती आसानी से किसी पे भी, तो आपको ऐसे लॉक अनलॉक बटन मिल जाते हैं। तो भाई कुछ ज़्यादा खास तो है नहीं, की ऐसी मिलती है सिंपल सी। तो देखो अब जैसे ही मैं लगाऊंगा ना इसमें, तो अभी तो फ़िलहाल ये बटन ऑफ है मतलब ऊपर को निकला हुआ है, तो जैसे ही मैं ऑन करूँगा
और अब मैं जैसे ही प्रेस करूंगा इसे, तो भाई चलो ये चीज़ तो बढ़िया कर रखी है, मतलब मारुति ने ऑटो फोल्डेबल दे रखे हैं, तो चलो भाई सही ये चीज़ ही। बाकी आप यहाँ से लॉक अनलॉक कर सकते हो, ये आपकी ऑटो डाउन और ऑटो केवल ऑटो डाउन मिलती है भाई, ये ऑटो अपनी है तो आपको ये केवल ऑटो डाउन मिल जाती है इसमें। बाकी आप यहाँ से कोई विंडो वगैरह मतलब कोई नीचे ना करे, यहाँ से आप लॉक कर सकते हो, फिर केवल आप ही कंट्रोल कर पाओगे विंडो वगैरह कौन नीचे करे कौन ना करे, तो ये सारी चीज़ मिलती है। बाकी आपको यहाँ पे चारों विंडो के बटन मिल जाते हैं, थोड़ा बहुत यहाँ पे स्पेस है हाथ वगैरह रखने के लिए अपना। बाकी भाई यहाँ पे आपको वही 1 लीटर की बोतल रखने के लिए जगह दे रखी है, और साथ में थोड़े कपड़े वगैरह या अपना कुछ पेपर वर्क रख सकते हो। बाकी यहाँ पे आपको स्पीकर की ग्रिल मिल जाती है। और भाई अब अंदर बैठ के बताता हूँ मैं आपको कि अंदर से कितनी प्रैक्टिकल है गाड़ी। तो देखो भाई मैं अंदर बैठ चुका हूँ गाड़ी के, तो सबसे पहले भाई सीट करता हूँ मैं पीछे, तो सीट मैंने पीछे कर लिया, गेट करते हैं बंद। और अब आप आवाज़ सुनना गेट की, तो भाई है चलो सही है, मतलब वैगनर वगैरह भाई क्या कह रहा हूँ मैं भी, मतलब इससे कंपेयर कर रहा हूँ इस गाड़ी को मैं, तो चलो भाई कंपेयर नहीं करनी चाहिए भाई, सब गाड़ी अपने कंपनी अच्छे से सोच समझ के देख देख के बनाती है, बहुत मेहनत लगती है एक गाड़ी बनाने में। तो देखो भाई इसकी कुछ फ्रंट लुक ऐसी निकल के आती है, मतलब फ्रंट नहीं इंटीरियर कुछ ऐसा है इसका आगे से फ्रंट कंसोल। तो यहाँ पे भाई आपको डैशबोर्ड भाई XL6 वाला या फिर XL6 में कहें कि ये वाला मिलता है आपको, तो सेम आपको ऐसी कुछ बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा डैशबोर्ड देखने के लिए मिल जाता है, जिसकी वजह से भाई बोनेट का जो साइज है मतलब जो बोनेट की लंबाई होती है आगे से वो कम हो जाती है। बाकी यहाँ पे आपको भगवान जी की मूर्ति मिल जाती है देखने के लिए, जो कि बढ़िया है। फिर बाकी ये आपका आफ्टर मार्केट एंड्रॉयड सिस्टम है, जो कि भाई सही है। इसमें भाई अगर मैं आपको ये बताऊँ ना बैक कैमरा कैसा, तो भाई देखना बहुत ज़्यादा स्मूथ सी लगती है देखने में एनिमेशन की, हाँ भाई बढ़िया है। फिर बाकी आपको भाई XL6 वाले यहाँ पे एसी वेंट मिल जाते हैं, जो कि आपको ऐसी मैट ब्लैक में मिलते हैं, तो भाई देख लो मतलब भाई XL6 वाले हैं इसमें, जो कि आप यहाँ से भी ऐसे बंद कर सकते हो या फिर खोल सकते हो। बाकी आपको यहाँ पार्किंग लाइट मिल जाती है, और भाई ये बटन वही है अपने वो जो लॉक अनलॉक पे जो रेड कलर की एक लाइट ब्लिंक होती है वो चीज़ है। बाकी यहाँ पे वुडन फिनिश है, जो कि भाई सही क्वालिटी में दे रखी है। फिर बाकी डैशबोर्ड है यहाँ पे, तो वो भी वही है भाई XL6 वाला है सेम, तो सही से बंद नहीं हुआ था। तो बाकी भाई देखो जो मेन चीज़ रहती है ना इनकी वो है भाई ये, मतलब भाई कप होल्डर के अंदर भी ना आपको यहाँ पे एसी वेंट दे रखे हैं, जो कि भाई बहुत ज़्यादा सही चीज़ है, मतलब भाई ये चीज़ तो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल लगी मेरे को। जैसे भाई अब होली का टाइम है, तो भाई ऐसे टाइम में ना बहुत ज़्यादा नीड होती है भाई ऐसे फीचर्स की, जो कि मारुति ने बहुत अच्छे से दिए हैं। फिर बाकी आपको यहाँ एसी ऑटोमेटिक नहीं मिलता, आपको नॉर्मल मिलता है एसी, जिसकी भाई एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा मस्त है, मतलब भाई 1-2 मिनट में ठंडी हो जाती है भाई गाड़ी अंदर से गाड़ी ऑन करने के बाद। फिर बाकी यहाँ एसी का ऑन ऑफ करने का बटन, ये गर्म चाहिए आपको हवा या ठंडी चाहिए, फिर बाकी हवा बाहर से चाहिए आपको या फिर अंदर ही सर्कुलेट होती रहे वो चाहिए। फिर बाकी यहाँ पे आपको 12 वाट का एक सॉकेट मिलता है देखने के लिए, और यहाँ पे आप अपनी ऑक्स या फिर अपनी पेन ड्राइव वगैरह लगा सकते हो। फिर बाकी आपको इसमें 5 गियर मिलते हैं, एक रिवर्स के लिए दे रखा है। फिर बाकी हैंड ब्रेक आपको कुछ ऐसा मिलता है इस गाड़ी में, और यहाँ पे आपको एक भाई ये आर्म रेस्ट नहीं मिलती है, ये आर्म रेस्ट इन्होंने आफ्टर मार्केट लगवाई हुई है भाई, ये आपको नहीं देते क्योंकि आप देख भी रहे होगे ये लकड़ी है भाई यहाँ पे देखो, तो भाई ये लकड़ी की इन्होंने आफ्टर मार्केट लगवाई, ये कंपनी नहीं देती लगा के, पर भाई ये भी चाहिए मतलब अपना सामान वगैरह रख लो जो भी है। फिर बाकी आप यहाँ सीट बेल्ट लगाने के लिए आपको जगह मिल जाती है, और भाई सीट बेल्ट आपको इसमें कोई भी एडजस्टेबल नहीं मिलती, आपको ऐसी सिंपल वाली मिलती है, तो ये चीज़ भाई नेगेटिव नहीं है क्योंकि फीचर का पार्ट है। और यहाँ पे आपको ऑटोमेटिक कोई IRVM नहीं मिलता है, आपको मैनुअल मिलता है जैसे कि हर मारुति की गाड़ी में देते हैं, पर नेक्सा में देते हैं भाई ऑटोमेटिक। फिर बाकी आपको यहाँ पे वही हेलोजन लाइट मिल जाती है अपनी एक, और यहाँ पे आपको शीशा तो दे रखा है, वैनिटी मिरर है पर लेकिन कोई लैंप नहीं है इस साइड, तो आपको कुछ भी नहीं होगा, बस अपना वही होल्डर वगैरह टिकट होल्डर के लिए एक हुक मतलब पट्टा सा दे रखा है, आप इसके अंदर अपना कुछ भी सामान फंसा सकते हो। तो भाई पर लेकिन देखो मैं बताऊँ क्यों कह रहा हूँ इसे वैल्यू फॉर मनी, भाई इसमें आपको स्टीयरिंग व्हील पे देखो तीनों बटन दे रखे हैं, मतलब देखो यहीं से भाई सारी चीज़ आप ऑपरेट कर सकते हो। बाकी आप यहाँ मोड वगैरह हो गए अपने म्यूट, हाँ ये है भाई क्रूज कंट्रोल का फीचर नहीं है, पर चलो कोई नहीं भाई सही है, अपने हर चीज़ आपको दे ही रहे हैं कंपनी वाले। और भाई यहाँ पे अगर मैं बताऊँ तो आपको यहाँ पे लाइट ऑटोमेटिक तो नहीं मिलती, पर हाँ ऑन ऑफ करने के लिए मिल जाती है। और भाई देखो मैं बताऊँ एक चीज़ दिखाता हूँ आपको, भाई देखो इंजन ऑन करने के बाद तो बहुत ज़्यादा मतलब भाई इतना साइलेंट इंजन ना मैंने आज तक किसी गाड़ी में नहीं देखा भाई, इतना ज़्यादा साइलेंट है ना ये। और इसमें आपको भाई 8 तक मार्किंग मिल जाती है, बीच में आपको भाई LED स्क्रीन मिलती है, जो कि भाई CNG में ही बताता आपको कि CNG कितनी है और पेट्रोल कितना है, तो ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। और भाई देखो ये कंपनी फिटेड है ना CNG, तो भाई इसमें ना कोई कांपने की जैसे वैगनर में आती है ना वो कोई दिक्कत नहीं है, बाकी कोई दिक्कत नहीं मिलती भाई आपको इस गाड़ी में।
और साथ में आपको यहाँ पे राइट साइड में 220 तक की टॉप स्पीड मिल जाती है देखने के लिए। और हाँ भाई देखो मैं आपको दिखाता हूँ इसकी लाइट, भाई इसकी लाइट इन्होंने ना एकदम वाइट करवा रखी है सेटअप जो है। तो भाई उसका जो थ्रो है ना भाई, रात के टाइम पे आप ये मान लो भाई बलेनो भी फेल कर रखे, जो बलेनो का टॉप आता है ना, तो भाई देख लो मतलब फुल लाइट LED मिलती है आपको इस गाड़ी में। तो भाई वो चीज़ ना काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगती है देखने में, फॉग लैम्प और अपने सारी चीज़ आपको अच्छे से वाइट कलर की दे रखी है। और पीछे से अगर मैं दिखाऊं तो भाई पीछे आपको इसमें सिंपल वही हेलोजन मिलती है लाइट, और साथ में आपको रिफ्लेक्टर भी ऐसे मिल जाते हैं लाइट वाले जो कि आफ्टर मार्केट हैं। तो भाई ये सारी बात हो गई इसकी लाइट वगैरह की, अब चलो मैं अंदर बैठ जाता हूँ। भाई गर्मी बहुत हो रही है आजकल, तो यहाँ से आप ऐसे इसको लॉक कर सकते हो, यहाँ से ऐसे अनलॉक कर सकते हो। तो देखो भाई इसमें आपको मतलब MID भी बढ़िया मिल रही है देखने के लिए, जैसे आजकल बलेनो में डाल दिया ऐसे क्लासिक कलर में डाल दिया MID आजकल, पर इसमें पहले से दे रही है कंपनी आपको। बाकी इसमें आपको स्टीयरिंग व्हील भी भाई ऐसा मतलब मिल जाता बढ़िया, ये लेदर रैप तो बात का आफ्टर मार्केट वाला काम है। यहाँ पे आपको सुजुकी का क्रोम में लोगो मिल जाता देखने के लिए, यहाँ पे स्टीयरिंग व्हील कंट्रोल भी, क्रूज कंट्रोल कोई मिलता नहीं है इसमें। बाकी भाई आप इसका टॉप लो चाहे कोई लो, यहाँ पे आप MID कंट्रोल करने के लिए आपको यहीं पे वगैरह मिल जाते हैं। बाकी आपको इसमें कोई ऑटोमेटिक वाइपर नहीं मिलता, और यहाँ से अगर आप ऐसे करोगे तो भाई थ्रो देख लो मतलब भाई वही तीन तीन जगह से पानी निकलता है, और दो दो वॉशर हैं तो 6 जगह से पानी निकलता, तो वो चीज़ भी अपने सही है। और भाई इंजन बहुत ज़्यादा साइलेंट है इस गाड़ी का, और मतलब भाई फ्रंट में मैंने आपको सारी चीज़ बताई दी है। तो भाई इसमें आपको फ्रंट में ये सारी चीज़ दे रखी है, और AC अगर मैं बताऊँ तो भाई देखो AC की आवाज़ सुनना आप। और भाई इसमें ना एक चीज़ मैं बता दूँ भाई, AC ऑन करने के बाद ना गाड़ी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप चाहे 4 नंबर पे AC चलाओ चाहे आप 2 नंबर पे चलाओ, भाई गाड़ी उतनी स्पीड में भागती है, मतलब कोई उतनी सेम पावर में भागती है, कोई भी पावर ड्रॉप का इशू देखने के लिए नहीं मिला भाई मेरे को अभी तक इस गाड़ी में, मतलब अपने सही है भाई। मैं चलता हूँ पीछे और दिखाता हूँ भाई आपको। तो भाई ये सीट कवर जो है ना ये लेदर के तो है, पर भाई इतनी अच्छी लेदर के नहीं है ये, जैसे क्रेटा में हमने लगवा रखे हैं ना, तो भाई वो क्वालिटी तो मीट नहीं हो रही है, पर चलो कोई नहीं। बाकी आपको इस वाले डोर पे भाई मतलब ना मेन भाई मैं आपको ये चीज़ बताना चाहूँगा, ये जो डोर होते हैं ना इनके जो भाई विंडो देते हैं कंपनी वाले भाई, मतलब ID का 106 भाई इतनी ज़्यादा लंबी होती है ना ये, मतलब देख लो भाई बहुत ज़्यादा लंबे शीशे दे रखे हैं आपको पीछे वाले। यहाँ पे भी आपको भाई क्रोम में हैंडल दे रखा है, यहाँ पे भाई ऑटोमेटिक विंडो दे रखी है ऊपर नीचे रोल ओवर करने के लिए। बाकी आप थोड़ा बहुत सामान यहाँ पे रख सकते हो, थोड़ा बहुत ही बस, बाकी नीचे आपको भाई एक बोतल होल्डर और अपने पेपर वगैरह रखने के लिए। तो भाई यहाँ पे अगर मैं सीट की बताऊँ तो आपको यहाँ पे भाई सीट को ऐसे फोल्ड करने के लिए, देखो मैं दिखाता हूँ ऐसे फोल्ड करने के लिए, पीछे जाने के लिए तो नहीं है ये जगह, पर लेकिन सही है भाई। और यहाँ पे आपको ना ये भी मिल जाता, मतलब यहाँ से भी आप ऐसे उठा के इसको आगे कर सकते हो, पर भाई ये बहुत ज़्यादा हार्ड हो रहा है, मतलब यूज़ नहीं करते होंगे ना उसको ये, तो ऐसी भाई आपको सीट मिल जाती हैं। और स्पेस की अगर मैं बताऊँ तो भाई ये पीछे वाली सीट ना मेरे हिसाब से अभी है सेट, तो भाई स्पेस तो मतलब एक मिनट, तो भाई स्पेस तो ना मतलब मैं कहूँगा सही है इस गाड़ी में, मतलब सही स्पेस दे रखा है। मेरी हाइट तो भाई आपको पता ही है कितनी है, तो सही स्पेस ऑफर कर देती है गाड़ी। और हेड रूम भी बताऊँ तो भाई इसमें कोई सनरूफ वगैरह मिलती नहीं, तो हेड रूम भी आपको काफ़ी अच्छा खासा मिल जाता, मतलब 6-1, 6-2 तक के भी आदमी ना इसमें आराम से बैठ सकते हैं। और यहाँ पे आपको ऐसे AC वेंट मिल जाते हैं जैसे सेम XL6 में आते हैं, जो कि भाई पहले LDGA में आते थे, जो पुरानी वाली आती थी उसमें भी, तो ऐसे आपको AC वेंट मिल जाते हैं इसमें। बाकी 1, 2, 3 तक आप अपनी फैन स्पीड को कर सकते हो कंट्रोल अपने हाथों से ही। यहाँ पे आपको AC की ग्रिल, यहाँ पे आपको स्पीकर ग्रिल मिल जाती है। बाकी भाई ये आफ्टर मार्केट है, तो यहाँ पे इन्होंने पॉकेट दोनों साइड बनवा रखे हैं, वैसे कंपनी एक साइड देती है एक साइड नहीं देती है। यहाँ पे आपको वही सेम चीज़ मिल जाती है, यहाँ पे आपको सीट बेल्ट के लिए जगह दे रखी है अपने लगाने के लिए। तो भाई ये सारी बात थी इसके रेयर की। और थर्ड रो में अगर मैं दिखाऊँगा आपको तो उस साइड से दिखाता हूँ भाई कि थर्ड रो जो है वो प्रैक्टिकल कितनी है, मैं जाके तो नहीं दिखाऊँगा भाई क्योंकि अभी मतलब मेरे को जल्दी हो रही है थोड़ी सी, और भाई फिर आ भी नहीं पाऊंगा मैं, सही बताऊँ ना हाइट वगैरह के हिसाब से मैं आ भी नहीं पाऊंगा। तो भाई ये चीज़ ना अपने फोल्ड ऐसे हो जाती है, और इसको आप ऐसे स्लाइड कर सकते हो आगे को, तो भाई जो पीछे जाना चाहे ना वो ऐसे जा सकता है। और भाई पीछे जो मतलब देख लो भाई ज़्यादा कुछ खास तो है नहीं, पीछे वाली सीट सेम ये सीट मिल जाती है पर थोड़ी छोटे साइज में। तो भाई स्पेस तो बताऊँ ना मैं भाई, ये 5 सीटर ही मानो, 7 भाई चलाते हैं लोग, पर भैया भाई स्पेस इतना कुछ कामयाब है नहीं इस गाड़ी का। तो इसको भाई मैं कर देता हूँ पीछे अभी फ़िलहाल, तो भाई मतलब ना पीछे करने के बाद स्पेस तो भाई बिल्कुल ही 0, ना के बराबर है भाई स्पेस। तो ये सारी बात होगी भाई इस गाड़ी के मतलब
अपने रेयर लुक, फ्रंट लुक, बाकी अंदर से सारी मैंने आपको दिखा दी है तीनों रो कैसी कैसी हैं, बाकी अंदर से मैंने आपको इसके फीचर वगैरह बताई दिए भाई कैसे मिलते हैं। और हाँ भाई, इसमें ना एक चीज़ रह गई थी, यहाँ पे आपको अपने CNG से फ्यूल में और फ्यूल से CNG में कन्वर्ट करने के लिए, मतलब उसको सेट करने के लिए यहाँ पे बटन दे रखा है, तो आप यहाँ से ही कर सकते हो। बाकी आपके मतलब लेवल की लाइट कितनी ऊपर होनी चाहिए, कितनी नीचे होनी चाहिए, वो कर सकते हो। बाकी आपको यहाँ तीन पेडल मिल जाते हैं। और भाई देखो, यहाँ पे आपको ना बोनेट खोलने के लिए यहाँ पे दे रखा है एक, तो जैसे आप इसको ऐसे खींचते हो ना, ऐसे नहीं होता भाई ये, तो भाई ऐसे खींचने पे ना ये अपने बोनेट भी खोल देती है। तो अब भाई बोनेट की बात करते हैं, मतलब बोनेट या इंजन की बात करते हैं, आपको इसमें कितने CC का इंजन मिलता है, बाकी कितनी पावर वगैरह मिलती है। तो भाई देखो, इस हाथ से तो मैं खोल ही नहीं सकता, अगर आप लेफ्ट हैंड से अपना सारा काम करते हो तो ही खोल सकते हो आप, नहीं तो मैं तो खोल नहीं पाऊंगा भाई। तो बोनेट खोलने के लिए ऐसे खोल सकते हो आप, और भाई हैवी तो है, खैर बोनेट बहुत हैवी है इस गाड़ी का। यहाँ पे आपको इंसुलेशन भी मिल जाती है, पेट्रोल इंजन है तो फिर भी सही है, मतलब इंसुलेशन दे रखी है। पर हाँ भाई देखो, इसमें अंडर बॉडी प्रोटेक्शन नहीं है भाई, ये चीज़ एक है कि अंडर बॉडी प्रोटेक्शन होनी चाहिए। बाकी आप एक बार इसका इंजन देख लो भाई, आपको इसमें 4 सिलेंडर मिलता है देखने के लिए। देखो यहाँ पे आपको 4 सिलेंडर देखने के लिए मिल भी रहा होगा, और यहाँ पे आप इसकी बैटरी वगैरह देख सकते हो। और भाई अगर आप इसके इंजन की बात करें तो इसमें आपको 1.5 लीटर का 4 सिलेंडर इंजन मिलता है, जो कि भाई अपने भागने वगैरह में सही है, अपने सही पावर निकाल देता है इंजन। और भाई देखो, अगर मैं बोनेट बंद करूँ तो इसकी आवाज़ सुनना आप, तो भाई वही है अपने इंसुलेशन की वजह से आवाज़ भी कम आती है जब आप इसको बंद करते हो। तो भाई ये था इस वीडियो में, मतलब मैंने आपको इस वीडियो में इस गाड़ी के बारे में VXI Ertiga CNG 2022 मॉडल के बारे में भाई मैंने आपको सारी चीज़ बता दी है, क्या क्या चीज़ आती है इसमें। तो भाई ये था, बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना, ये मत बुलवाया करो भाई, सब्सक्राइब कर लो, मेरे को भी अच्छा नहीं लगता भाई बोलने में, पर लेकिन आप करते ही नहीं हो, तो भाई सब्सक्राइब भी ना कर ही लेना, मतलब कर लो भाई, आप समझ गए हो मतलब जो भी मैं कह रहा हूँ। तो बस भाई आज के लिए इतना ही, मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, जब तक के लिए वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच।